चेन्नई सुपर किंग टीम बनाम मुंबई इंडियंस, जानिए क्या कहते हैं दोनों टीमों के अब तक के हेड टू हेड रिकॉर्ड और क्या होगी दोनों टीमों के संभावित प्लेइंग 11। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का इसके स्पोर्ट के और नई वीडियो में। दोस्तों आईपीएल 23 के 12वें मैच में 8 तारीख के क्या होगी चेन्नई सुपर किंग टीम और मुंबई इंडियंस के संभावित प्लेइंग 11 और क्या कहते हैं दोनों टीमों के अब तक के हेड टू हेड रिकॉर्ड, बताएंगे सब कुछ इस वीडियो में। लेकिन अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी के फैन तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल पर हैं दोस्तों पहली बार तो दोस्तों आईपीएल से जुड़ी छोटी बड़ी अपडेट देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो में बढ़ते आगे और देखते हैं आज के पूरी अपडेट। दोस्तों आईपीएल 2022 में चेन्नई सुपर किंग टीम और मुंबई इंडियंस का बुरा हाल रहा। दोनों ही टीमें सबसे निचले क्रम पर है, जहां सीएसके की टीम 9वें पायदान पर तो वही मुंबई इंडियंस 10वें पायदान पर नजर आई थी। उसके बाद आईपीएल 2023 में एक बार फिर से दोनों टीमें मैदान पर उतर रही है। दोस्तों चेन्नई की टीम को पहले मैच में हार का सामना करना पड़ा था, वही दोस्तों लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ जीत कर सीएसके ने अपना जीत का खाता खोल दिया है। अब सीएसके का अगला मुकाबला मुंबई इंडियंस के खिलाफ आईपीएल 2023 के 12वें मुकाबले में 8 अप्रैल को होना है। अब देखना यह होगा कि कौन सी टीम इस मुकाबले में जीत हासिल करती है। तो चलिए दोस्तों हम जानते हैं पहले दोनों टीमों के क्या कहते हैं अब तक के हेड टू हेड रिकॉर्ड और किसका पड़ रहा है ज्यादा भारी। दोस्तों अगर इन दोनों टीमों के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो अब तक इन दोनों टीमों के बीच कुल 35 मैच खेले गए हैं, जिसमें से चेन्नई सुपर किंग टीम को 15 मैचों में जीत मिली है तो वहीं 20 मैचों में मुंबई इंडियंस ने बाजी मारी। मौजूदा फॉर्म को देखा जाए तो चेन्नई सुपर किंग टीम ज्यादा मजबूत लग रही है। दोनों टीमों ने हालांकि अपने अपने एक एक मुख्य खिलाड़ी को खो दिया है। मुंबई इंडियंस ने जसप्रीत बुमराह को चोट के चलते खोया है तो वहीं सीएसके टीम ने मुकेश चौधरी को चोट के चलते खो दिया है। वहीं दोस्तों दोनों टीमों के बीच 5 मैचों के पिछले आंकड़ों की बात करें तो पिछले 5 मैचों में चेन्नई का पल्ला ज्यादा भारी रहा है। पिछले मैच में चेन्नई के हिस्से में 5 में से 3 जीत आई है, जबकि मुंबई इंडियंस को 5 में से सिर्फ 2 मैचों में जीत मिली है। वहीं दोस्तों अगर 8 अप्रैल को होने वाले इस मुकाबले में सीएसके की संभावित प्लेइंग 11 की बात करें तो इसमें डेविन कॉनवे, ऋतुराज गायकवाड़, अंबाती रायडू, अजिंक्य रहाणे, मोइन अली, बेन स्टोक, महेंद्र सिंह धोनी, रविंद्र जडेजा, दीपक चहर, तुषार देशपांडे और महेश तीक्ष्ण टीम में शामिल होंगे। तो वहीं दोस्तों अगर सीएसके के खिलाफ मुंबई इंडियंस के संभावित प्लेइंग 11 की बात करें तो इसमें रोहित शर्मा, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, टिम डेविड, कैमरून ग्रीन, जोरफा आर्चर, कुमार कार्तिके, रितेश शौकीन, जारे जेरसन, जेसन बेरनडॉर्फ टीम में शामिल होंगे। तो दोस्तों आज की जानकारी में बस इतना ही। आपको क्या लगता है चेन्नई सुपर किंग टीम या फिर मुंबई इंडियंस कौन टीम किस टीम पर पड़ सकती है भारी, आप अपनी व्यक्तिगत राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखे। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, अब तक के लिए नमस्कार।